Once again, warm welcome to all of you. तो ज्यादा ही warm क्योंकि गर्मी भी बहुत बड़ी है, ज्यादा है. Oasis Valleys पे हमको तो बहुत लगती है. तो warm welcome from all of you. आज special session है. Every day is a special session in O2. But आज कुछ थोड़ा ज्यादा special है. Because today we will get to know two people जिन्होंने Oasis को शुरुआत के phase से, यानी कि जो second phase था Oasis का, उसको शुरुआत से देखा है. And those two people have been क्या बोलते हैं कि pillar of support for Oasis movement. So आज उनकी journey सुनेंगे. आज का जो day है वो Friday है. Friday को हम facilitators and leaders की journey सुनते हैं. तो आज हमारे साथ ऐसे दो facilitators हैं. वो आपने शायद poster में तो पढ़ा ही होगा उनके बारे में कि वो leading architects हैं. So they are leading architects of the country. बहुत ही famous architect ऐसा बोल सकते हैं. One of the best architects of the country. They are a ब्यूटिफुल कपल. मैं उनसे करीबन एक साल पहले मिला था, एक डेढ़ साल पहले. एंड आई लव्ड देम एट फर्स्ट साइट. देखते ही उनसे प्यार हो गया था दोनों से. ऐसे ब्यूटिफुल कपल है, ब्यूटिफुल इंसान है. एंड Oasis की जर्नी उन्होंने बहुत सालों से देखी है. जब से Oasis Valleys, इवन बिफोर Oasis Valleys का कंस्ट्रक्शन हुआ था, उससे पहले Oasis के साथ वो जुड़े हुए हैं. They have been one of the first participants of L3 workshop. जब हमने शुरुआत की थी सूरत में, अहमदाबाद में, मुंबई में, तब के वो पहले पार्टिसिपेंट हैं जो L3 workshop हमने प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया था. So beautiful people, beautiful time, beautiful session it will be. I welcome Snehal Bhai and Saloni Ben. Thank you so much for being with us. और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज. तो आज के सेशन में हमारे साथ जो लोग फैसिलिटेटर्स हैं, जो Oasis मूवमेंट में ऑफकोर्स फैसिलिटेटर भी हैं और दूसरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी तरफ से भी हमको वो मदद कर रहे हैं. स्नेहल बहन, सलोनी बहन हमारे साथ हैं. उनको आपने देखा होगा पहले ऑफकोर्स. उन्होंने सेशन भी लिए हैं. उन्होंने एक सेशन लिया था जिनको आपने बहुत सराहा था. यू ऑल लाइक दैट सेशन वेरी मच. So today we will listen to their story. हमको सिखाया था उन्होंने बहुत कुछ और उन्होंने बहुत वर्कशॉप भी की है. लेकिन आज उनकी लाइफ से हम कुछ सीखने का, कुछ इंस्पिरेशन पाने का और कुछ जानने का एक मौका है आज हमारे पास. तो वो आज हम करेंगे. और बिफोर वी बिगिन, हम बिगिन करें आज का सेशन. इससे पहले कुछ दरख्वास्त थी जो मैं हर रोज करता हूँ आप सबसे कि प्लीज आप सब वीडियो ऑन कीजिए, हम आपको देख सके. बाकी सभी जो लोग हैं, स्नेहल भाई, सलोनी बहन भी आपको देख सके, पता चले कि हाँ आपकी स्टोरी सुन के उनको कैसा लगा, आप सबको कैसा लगा. तो प्लीज फ्रेंड्स टर्न योर वीडियो ऑन, इट्स अ हार्टी रिक्वेस्ट टू यू. तो स्नेहल भाई, सलोनी बहन को इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इतना बताया है. आप सभी ने जाना है उनको. बहुत ही मोर देन आर्किटेक्ट, मोर देन बिजनेस पर्सन, मोर देन अ टीचर, मोर देन अ प्रोफेसर, आई विल से दे आर ब्यूटीफुल human beings, beautiful couple, beautiful parents, and we would love to listen to their stories. I have been actually wanting to listen to their story very much, and मुझे सवाल पूछने का मौका भी है उनसे, तो ऐसे थोड़े टेढ़े-मेढ़े सवाल भी पूछूंगा उनको, जो शायद उनको पता भी ना हो कि मैं पूछूंगा. Okay, so Snehal Bhai and Saloni Ben, आप का वेलकम है. Thank you so much for being with us. So पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं. तो आप इतने यू हैव बीन वन ऑफ द लीडिंग आर्किटेक्ट्स ऑफ द कंट्री एंड यू हैव बीन एजुकेटेड सो वेल इन प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज ऑफ कोर्स, बट हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ डिड यू गेट इन टच विद Oasis? आपकी Oasis के साथ कहीं से शुरुआत हुई होगी, किसी ने बताया होगा, किसी से मिले होंगे. सो ये शुरुआत कैसे हुई? पहली बार सुन के या देख के आपको क्या महसूस हुआ था? That is what we would like to know from you. Right. Thank you, Jay. Thank you for inviting us for this session. ऐसा मैंने देखा है कि Oasis में कोई कभी भी अपनी मर्जी से नहीं जुड़ा है. हमेशा एक षड्यंत्र होता है, कोई धक्का देने वाला होता है. Right. And,
सो हमारा केस भी कोई अलग नहीं है. 2003-04 में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, एक डायमंड फैक्ट्री था जो मेरे करियर का प्रोबेबली बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था. सो वो प्रोजेक्ट में जो ओनर था, जो क्लाइंट थे, पराग भाई शाह, जो ओएसिस के साथ काफी हद तक जुड़े हुए हैं, सो उनको मिलने मायाबेन आए थे. एंड मायाबेन द वे द काइंड ऑफ परसिस्टेंस शी हैज, उन्होंने किसी तरह पराग भाई को अग्री किया, करवाया कि वो ये एक दिन, तब ये वर्कशॉप सिर्फ 3 दिन के होते थे एंड उसमें एमएचएससी होता था, उसमें L3 नहीं था. सो हम टॉकिंग 2003-04. सो उन्होंने कन्विंस किया पराग भाई को कि आपको ये करना है. एंड आर्किटेक्ट्स यूजुअली क्लाइंट के अच्छे दोस्त हो जाते हैं, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज, यू डू फॉर अ फ्यू इयर्स व्हेन यू डू अ प्रोजेक्ट. तो उन्होंने बोला कि स्नेहल तेरे को ये करना ही है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं वहाँ क्या करूँगा, कितना बोर हो जाऊँगा. सो ही रजिस्टर्ड ऑन माई बिहाफ एंड देन we ended up attending those wonderful sessions with Sanjeev bhai and Shiba bhai, and wahi sessions se humko bahut sare dost mile the jo aaj bhi hamare bilkul touch hain. Dr. Jitu bhai hai, Chirag bhai hai, Dipesh bhai hai, there's so many people, Pravin bhai, Ankit James wale. So it was that kind of session, and this was the initiation. Saloni apna bada sakti hai. मैं याद कर रही थी कि पहला जो सेशन हुआ था, जैसे स्नेहल ने बताया, वैसे तब L3 था ही नहीं, MHS ही था, एंड उसका भी 3 days का वर्कशॉप था. सो आई रिमेम्बर लॉर्ड्स प्लाजा करके होटल है यहाँ सूरत में, वहाँ पर ये सेशन हुआ था. एंड I remember Mayabhen very well. Mayabhen really was persistent in. वो हमको भी मिलने आए थे, because Parag bhai ने हमको बोला कि ये लोग भी करेंगे. तो so she was really very convincing कि नहीं, ये आपको करना ही चाहिए. And today I feel grateful कि उन्होंने इतना हमको धक्का दिया कि हम ये journey में enter कर पाए. Okay, so of course ये धक्का आपको मिला एंड आप ओएसिस के साथ जुड़ गए. लेकिन ये एक सवाल होता है हर एक का, इवन मैं मेरी बात करूँ तो, एक ओएसिस का सबसे पहले या कंसेप्ट सुन के कि ऐसा कुछ है, ऐसा कोई एजुकेशन है, ये सुन के कुछ आइडिया आता है दिमाग में, लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं ना. सो व्हाट वाज योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ओएसिस, मे बी आफ्टर वर्कशॉप, मे बी आफ्टर मीटिंग मायाबेन, समथिंग? इतने साल हो गए तो ऐसे आई डोंट रियली रिमेम्बर कि एग्जैक्टली फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, लेकिन आई कैन से दैट पहला जो वर्कशॉप अटेंड किया एंड पहला सेशन, आई डोंट नो, थोड़ा स्पॉइलर जैसा होगा अगर किसी ने ये नहीं किया है तो, बट पहले सेशन की जो एक्सरसाइजेस है, डेथ एक्सरसाइज एंड ऑल ऑफ दैट, दैट इज वेरी पावरफुल. तो वो आपको एक्चुअली शेप कर देती है अंदर से, और आपको मतलब आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि ये लाइफ के लिए कितना जरूरी है. सो दैट इज व्हाट, एंड आई थिंक सबको अपना पहला सेशन इसी तरह से शायद याद रहता होगा, बिकॉज इट इज अ वेरी पावरफुल यू नो एक्सरसाइज. यस. सो 3 दिन खत्म होने के बाद मेरा सबसे बड़ा रियलाइजेशन ये था कि इस तरह का भी एजुकेशन होता है, वो पहली बार समझ में आया. हमारे लिए एजुकेशन वाज ओनली विच हेल्प्स अस अर्न अवर ब्रेड, जो हमारी फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वही एजुकेशन है. इस तरह का भी कुछ सीखना चाहिए, वो रियलाइजेशन था. सो नॉट, इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट ऑफ द सेशंस, बट इट्स द रियलाइजेशन कि यार ये पूरा एस्पेक्ट लाइफ में है और वो अभी जर्नी शुरू करनी पड़ेगी. दैट रियलाइजेशन हैज स्टेड विद मी सिंस देन. सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ऑफ दैट फर्स्ट सेशन. ओके,
सो फर्स्ट सेशन इतना इम्पैक्टफुल था कि आपकी आगे की जर्नी शुरू हो गई थी एंड यू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजाइनिंग ओएसिस रैलीज. तो ये कैसे हुआ, इसके बीच की कहानी, उसके बाद की कहानी भी सुनेंगे हम कि कैसे ये पूरी स्टोरी हुई, लेकिन ये दोनों के बीच की भी कोई कहानी होगी शायद, आई डोंट नो, बट ऐसा कुछ होगा तो आप बता सकते हो. What led you to designing Oasis Valley? वो बीच का ये है जय कि actually हमने वो MHS का session 3-4 बार किया है. Okay. जैसे जैसे वो उसका structure भी evolve होता गया तो दूसरी बार हमने MHS किया. फिर संजीव भाई ने एक दूसरा program design किया था MHS विशेष करके तो वो भी किया. So इट वॉज एन ऑन गोइंग प्रोसेस जिसमें हम काफी टाइम से उनके साथ जुड़े थे और रिलेशनशिप उस तरह से गहरा बनता गया. सो ओएसिस वॉज लुकिंग फॉर अ हेडक्वार्टर्स क्योंकि अब वो मूवमेंट बड़ा होने लगा था, सीरियसली काफी बड़ा होने लगा था उस टाइम पे. And at that time, they were majorly focusing on adults. They were not focusing on children, which was a very good realization as the Oasis evolved. But us time pe pura focus adult education pe tha, adult character education. So us time pe ye side dekhne ke hum gaye the. Main aur Parag bhai again he was with us, and Saloni was also there. So, ये भी करीब 2005 की बात होनी चाहिए, if I'm not wrong. Oasis construction began in 2008, but 2005 is when we went to see a very very barren site, very barren hilly site. I'm sure a lot of you might have been there. और बोला कि government से हमको ये जमीन या ये जमीन हमको काफी अच्छे उसमें मिल रही है क्योंकि वो पड़तर जमीन है. और what made me little happy was कि जो जमीन किसी के काम में आए वो ही काम में लेनी चाहिए क्योंकि then it is totally aligned with what I learned at Oasis. So वो जगह तो ले ली. बाद में there's a very important discussion I had with Parag bhai and Sanjeev bhai कि what should be the value system is very important rather than the building itself. तो हमने वैल्यूज सेट की थी कि इट शुड टीच एवरीथिंग टू द स्टूडेंट थ्रू द बिल्डिंग इटसेल्फ जो हम उसको वर्कशॉप्स में पढ़ाना चाहते थे, जैसे वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी है, इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडाइम शिफ्ट है, ये सारी चीजें हम बिल्डिंग के द्वारा समझाना चाहते थे. नाउ देयर वाज अ ट्विस्ट एंड इंटरेस्टिंग सिचुएशन वेयर देयर वाज अनदर आर्किटेक्ट कपल who are also friends of Oasis, Apurva Bhai and Nainita Ben. They are from Baroda. Now, traditionally, architects are known to have quite a sized ego. So, वो ego लेके हम दोनों को बोला गया कि आप दोनों एक-एक option बनाओ और हम फिर उसमें से जो अच्छा लगेगा वो बनाएंगे. So it was kind of a competition. Done at that time, and so we spent a lot of time knowing Apurva Bhai and Nainita at that time, and we were very clear that if issues come in the process mein, in the design while working with the other architects, then probably we have not understood what Oasis is trying to teach us. So that was a challenge within the challenge. First challenge was to design in such a difficult site, but the challenge within the challenge was ki kaise dusre architect ke sath rehke synergy ka create kiya jaye. And fortunately it happened well. It's not ki humne dono design ka average liya ki iska ye le lo to ek khush sab khush, aisa nahi tha. We had to reach what is actually right for the place. And I would like to appreciate Apurva and Nainita also, the way they could really understand our idea,
उनके डिजाइन में बेसिकली इट वॉज मोर लाइक अ रिसोर्ट वेयर वी हैड वेरियस डिफरेंट रूम्स स्प्रेड ऑल अक्रॉस द वैली एंड देन वी डिड अ कैलकुलेशन ऑफ व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ लेइंग डाउन ऑल द वायर्स एंड प्लंबिंग एंड एवरीथिंग टू डू दैट एंड इफ वी डोंट अलाइन आवरसेल्फ टू सस्टेनेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग अवर फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग वी आर रियली डिस्टर्बिंग द नेचर अगर हम डिस्टर्ब करेंगे नेचर को सो दैट डज नॉट मतलब इट डिडंट मेक सेंस कि हम किसी का कैरेक्टर बिल्ड कैसे करेंगे दिस वाज सो वेरी वेल अंडरस्टूड एंड अप्रिशिएटेड एंड सो वी कंक्लूडेड कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ही हम एग्जीक्यूट करेंगे फिर बात ये पैराडाइम शिफ्ट कैसे होगा थ्रू अ बिल्डिंग हैज एनी हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू ओएसिस वैलीज कैन यू जस्ट से आई इन दैट बॉक्स Yes, we'll enable the chat. We have actually disabled the chat. So everyone, जो भी Oasis Valley पे आ चुका है, वो yes लिख सकता है, या फिर hand raise कर सकता है. Yes, yes. Okay. Krishna says yes. Prithvi says yes. बहुत सारे लोग yes बोल रहे हैं. Wow. So lot of you have been there. So thank you so much. So आपको क्या अजीब लगा जब पहली बार गए? पैराडाइम शिफ्ट बिल्डिंग एक ऐसी चीज होती है जिसको हम ऊपर देखते हैं तो ये बिल्डिंग ऐसी है जिसको हम नीचे देखते हैं नंबर टू You enter a building on the ground level and then you go up. This is the only building in the area जहाँ आप terrace से enter होते हैं और नीचे जाते हो. So there are a lot of these ideas which were used. Thank you, Krishna. She could. Thank you very much. Right. So that was the idea. दूसरा आप building को देखोगे. So we did not plaster the building. क्योंकि जो अंदर की खूबसूरती है वो दिखाने के लिए हम उसको ढक नहीं सकते दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड इन माय ओएसिस सेशंस सो वी वेरी श्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिसको हमको छुपाना पड़े सो इवन द सर्विसेज आर ओपन द ब्रिक्स आर एक्सपोज्ड एंड इट इज क्वाइटली पुट इन अ वैली जहां पर वो सन से शेड में रहे So, अभी जो गर्मी लग रही है जय सो आई एम सॉरी अबाउट इट पर अगर ये बिल्डिंग में हिल के ऊपर बना था तो शायद आप ये यहां से नहीं कर रहे होते यू आर एबल टू सी देयर इन द प्लेस बिकॉज़ इट्स पुट इन द वैली ओके दिस वाज अबाउट द प्रोसेस ओके ओके सो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं कि आपने बताया तो सही कि बिल्डिंग डिजाइन करने की वैल्यू सिस्टम क्या थी कि कैसे हाउ यू कम्युनिकेट द कैरेक्टर बिल्डिंग थ्रू अ बिल्डिंग बट उसमें भी लाइक मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट इयर्स इट टुक बट कुछ 3-4 साल लगे थे आई थिंक डिजाइन करने में थ्रू दैट बिल्डिंग राइट तो ये कैसे इतना टाइम लगा क्यों इतना टाइम लगा था व्हाट वेदर लाइक कुछ स्टोरी होगी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे चैलेंजेस होंगे बहुत सारे होंगे आई ओएसिस के लिए काम करना आसान नहीं होता दैट्स व्हाट आई नो सो व्हाट वाज दैट आई थिंक आई नीड 1 or 2 more days टू एक्सप्लेन यू दैट बट आई विल टेल यू द फनियर पार्ट व्हिच यू मे नॉट बी नोइंग अबाउट द ओएसिस द वैलीज ओके उस टाइम पे जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था So because it's a sloping site, the levels was very important. Okay. And उस time पे जहाँ पर अभी आपका नीचे एकदम lowest floor के ऊपर जहाँ kitchen वगैरह है था पहले जो नीचे वाला floor पहले था yes. पहले था वो floor actually था ही नहीं plan में. Okay. By mistake वहाँ ज़्यादा खोद दिया था. So okay. the whole structure which was designed for 3 floors had to be redesigned to 4 floors. Okay. So that itself took 3 or 4 months to redo every bit of drawing.
सो इट वॉज सच अ और ये पूरी सिचुएशन में आई डिडंट हैव टू लूज माय कूल आई हैड टू ऑलवेज रिमेंबर आई एम डूइंग इट फॉर ओएसिस गुस्सा नहीं होना है इरिटेट नहीं होना है एंड किसी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है सो दैट वाज अनदर गुड टेस्ट एंड बहुत मजा आया था यू कैन नो मोर अबाउट इट फ्रॉम अल्केश बेर he was under the hammer this time pe because he was overseeing the site But he did a fantastic job. It was his dedication without which वो और मेहुल भाई ने खुद वो और पल्लवी बेन ने वहां रह के I think 6000 पेड़ उगाए हैं तो जब भी आप जब जाते हो और पूरा ग्रीन दिखता है बिल्डिंग नहीं दिखता है 100% credit goes to मेहुल भाई and पल्लवी बेन for that. I think they did a fantastic job in terms of benchmarking what dedication is. Dedication क्या होता है उन्होंने हमको समझाया था। I think साथ में एक टीम ऐसी भी थी because ये पूरा donations से बन रहा था। As far as I remember, there was a team जो लोग donations fund collection के लिए काम कर रहे थे। तो जैसे-जैसे fund आते गए, वैसे building बनता गया। So I remember ऊपर के room का floor भी नहीं था पहले। हाँ, so actually phase one में फिर वो ग्राउंड फ्लोर वाला किचन वाला फ्लोर बना जो था ही नहीं प्लान में और उसके ऊपर एक फ्लोर बना दैट वाज फेज वन फॉर ओएसिस इतना ही था ये ऐसा बिल्डिंग 2-3 साल तक यूज हुआ है उसके बाद तय हुआ कि अभी हमको और फंड मिल रहा है सो लेट्स डू अनदर 2 फ्लोर्स बट तब तक द फोकस हैड स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एडल्ट्स टू चिल्ड्रन टेक्निकली समझा तो ये लोड बेरिंग बिल्डिंग है जिसमें हर एक वॉल ईट की है और उसी के ऊपर वजन आता है ठीक है सो उसमें आप एडल्ट रूम को विच इज मेंट फॉर 2 or 3 पीपल यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू डॉर्मेटरीज फॉर 12 पीपल ठीक है सो आफ्टर 2 फ्लोर्स द स्ट्रक्चर हैड टू बी रीडिजाइंड टू मेक बिगर रूम्स जो अभी आप जो देख रहे हो बड़े रूम्स डॉर्मेटरीज के That itself was never there as part of the plan when we began. So, वहाँ पर मैं सोच रहा था, and even in fact I asked Sanjeev भाई कि begin with the end of end in mind, यहाँ कैसे apply होगा? जो kitchen नहीं चाहिए था वो आ गया, जो purpose के लिए design हो रहा था वो नहीं change हो रहा है. तब I remember he explaining me कि when you say begin with the end in mind, it is not really about having the total exact picture of what you want but it is your radar it is your direction your end in mind gives you a clear direction ki kahan kaise life ko jeena hai and that is where I actually understood the habit number 2 yeah. okay so aisa bolte hai ki whenever you work for oasis chahe wo coordination ka kaam ho चाहे वो ट्रांसलेशन का काम हो कोई भी काम हो तो इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू शुड नॉट वर्क ऐसा हम बोलते हैं ओएसिस में तो यू हैड बीन आप बहुत नामी एक आर्किटेक्ट में से थे और आपने ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया तो हाउ डिड दिस प्रोजेक्ट चेंज यू एज अ पर्सन और एज एन आर्किटेक्ट ऐसा अगर बोलना हो कि आप बिफोर ओएसिस वैली के आर्किटेक्ट आप दोनों थे After versus values के architect दोनों के तो दोनों में क्या difference हम मालूम कर सकते हैं? I finished my formal education in 2001. Okay. And I met Oasis in 2003. So okay. I was a young startup architect in 2003-04 जब मैं Oasis को मिला था. Okay. So okay. it was such a brilliant timing and it has helped me. Look at things so different in such a different way. In fact, our office ka mission statement mein bhi bahut clearly there are 2 parts. One is about excellence, and second is about people. So, jo people wala part hai na, wo Oasis ko hi 100% mein credit deta hu. How to understand somebody, what is listening, kyun karna chahiye, ye sari cheeze. Really allowed me to think from other points, other person's points of view.
And as a result, we have grown to a team of about 60 people now, and we are 9 principal partners, and all 9 of them have done the Oasis course. Now, that is how we have grown into. So it's no more about a person, but it is more like a banyan tree now. We've actually laid out our office open for anybody who works for his team. After 5 years, they can apply to be a partner. It's become a platform now. It's no more. So वो पूरा जर्नी में वो इसी साथ था पहले से लेके अभी तक. So ये बहुत बड़ा मेरे लिए important चीज है where Oasis has helped me in my profession. In fact, wives of my partners are very important part of Oasis right now. I can name Puri for sure. In this, so you, what magical thing is it? I cannot. Words are too less to describe. ये क्या करते हैं? If you embrace it totally. Hello, Niben. How did Oasis impact you as a professional? I cannot separate myself कि ये मेरा professional impact हुआ और ये personal impact हुआ. Oasis ने जो भी किया है वो एज अ पर्सन चेंज करता है आपको तो फिर उसका इफेक्ट चाहे आपके फैमिली पे हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स पे हो या एनीवेयर सो जब आप चेंज हो जाते हो तो आप हर जगह पे चेंज हो जाते हो तो दैट इज द इम्पैक्ट दैट इट हैज हैड. पूरी दीदी सेज लवली गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम स्नेहल बाय एंड सलोनी बाय लव यू गाइस. Because we are also very thankful that we got her. So thanks to you. Okay. So आज के session का नाम है Architects who design ideal life and ideal building to design की आपने. But how did this workshop help you? आप दोनों के बीच के relationship में भी हो सकता है और anywhere else. उसकी कोई stories अगर हो, उसके कोई incidents हो कि उस इसकी workshops की वजह से या फिर कोई just being associated with Oasis, कुछ change आया हो to live a better life, कोई ऐसे incident story हम सुनना चाहें. Okay, ये तो बहुत, ये भी बहुत लंबा चले ऐसा question है. थोड़ा तो बता दो. Okay, कुछ incidents या कुछ stories अगर मैं share करूँ तो. Maybe आप दोनों की relationship में हो सकता है. Yeah, that is one of the things. So L3 जो वर्कशॉप है उसका वन ऑफ द बेस्ट इयर्स मैं कहूंगी सेकंड ईयर है जिसमें रिलेशनशिप्स की बात आती है तो उसमें पहले सेशन में जैसे व्हाट इज लव वो समझते हैं सेकंड सेशन में मैरिज की बात करते हैं और फिर थर्ड में फैमिली पेरेंटिंग की बात करते हैं. सो जो मैरिज वर्कशॉप था वो हमारे लिए बहुत स्पेशली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था क्योंकि और जो मैंने रियलाइज किया कि मेरे दिमाग में मैरिज को लेके कुछ पैराडाइम्स एकदम काफी स्ट्रॉन्गली फिक्स थे कि मैरिज अच्छा मैरिज इसको कहते हैं या स्पाउस के बीच में रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए या इसको ऐसा करना चाहिए ऐसा होना चाहिए. सो ऑल दोस व्हाट यू आर सेइंग आइडियल्स वो आइडियल क्या है मतलब वो हमारे थॉट्स ही है हमने ऐसे थॉट बना के रखे हैं कि ये इसको आइडियल मैरिज कहते हैं. तो मैरिज सेशन और उसकी एक्सरसाइज आई थिंक थर्ड ईयर में भी जब वो इंटेग्रिटी का ये करते हैं तो तब आई गॉट टू सडनली मतलब मेरी जैसे वो स्विच गिरती है और आंखें खुल जाती है ऐसा मोमेंट तब आया था कि एक्चुअली मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जो थॉट्स बना के रखे थे दिमाग में कि ऐसा होना चाहिए इसको आइडियल कहते हैं या दिस इज अ गुड रिलेशनशिप वो सारे पैराडाइम्स क्वेश्चन हुए और जब वो टूटा तब देयर वाज इट वाज लाइक इट वाज अ वेरी फ्रीइंग मोमेंट फॉर अस कि उसके बाद देयर वाज नो कंप्लेन इन द रिलेशनशिप कि देयर वाज नो I don't know. Complain only he can answer. it was my internal journey. So that is one.
The other thing I would like to share is about जब हम लोग ये कर रहे थे, जब हम I think last year तक पहुंचे थे, तब शिबा बेन ऑफर तो करते नहीं है, खुशी करते हैं कि आप फैसिलिटेटर बनो. तो स्नेहल ने आई थिंक पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत डाउट था कि यू नो ये टॉपिक ऐसा है कि आप मतलब ऐसा मेरा मानना था कि जब तक मैं ये सब इंप्लीमेंट ना कर पाऊँ मेरी लाइफ में, तो मुझे क्या हक बनता है कि मैं किसी और को सिखाने जाऊं कि आपको ऐसा करना चाहिए या यू नो. तो मेरे अंदर वो बहुत टाइम तक ये हुआ था कि ये मैं नहीं कर सकती, ये मुझे नहीं करना चाहिए, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ. तो शायद कहीं पे एक फियर भी था किस तरह का, आई डोंट नो, बट शिवा बेन के परसिस्टेंस से फिर ऑल्सो उस टाइम पे हमारे वर्कशॉप भी चल रहा था, आई थिंक लास्ट ईयर स्पिरिचुअलिटी का चालू था. तो देन आई रियलाइज कि हाँ, मुझे व्हाई एम आई सेइंग नो, अगर लाइफ में कुछ मेरी तरफ आ रहा है तो हाँ करके भी देखना चाहिए कि क्या हो सकता है. और फिर मैंने गुजराती में जैसे बोलते हैं झंपला भी दी दू. I dived into it and I can say that it made a big difference. क्योंकि जब हम participant की तरह workshop attend करते हैं तो हमारा state of mind और हमारा क्या कहते हैं absorption of जो भी content है वो अलग होता है. और जब हम दूसरी तरफ आते हैं, when you are in the position of facilitator, तब आपको एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि am I doing what I am saying. So आप जो कंटेंट डिलीवर भी कर रहे हो उसको आपने कितना अच्छी तरह से समझा हुआ है वो आपको समझ में आता है. एज अ पार्टिसिपेंट आपको लगता है कि हाँ मैं समझ गई ये क्या कहना चाहते हैं, लेकिन जब आपको किसी और को समझाना होता है तब इट इज अ टेस्ट ऑफ एक्चुअली आपको समझ में आया था कि नहीं आया था. सो ओएसिस के सारे जो फंडामेंटल्स है, सारे प्रिंसिपल्स है, उसको समझने का भी एक बेटर मौका मुझे फैसिलिटेटर होने से मिला. सो दैट इज वन ऑफ द बिग चेंजेस दैट हैज हेल्प मी. सो यू कैन शेयर. नो, आई लाइक टू शेयर. मुझे याद आ रहा है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ओएसिस के माध्यम से हमारे रिलेशनशिप में हुई है. If I go back to my college days, Saloni was 2 years junior to me in my college. Both of us are architects. तो अहमदाबाद में सेट में हम दोनों पढ़ रहे थे और हम दोनों अपने क्लास में you can say toppers थे. We were the best in performers in academics. तो जब profession में आए तो अभिमान मूवी जैसा कुछ हुआ था. Where हम दोनों वैसे तो नए थे, पर जब भी नया क्लाइंट आता है तो वो मुझे ज्यादा सुनता था, सलोनी का कम सुनता था. क्योंकि वी हैव दिस बायस इन आवर सोसाइटी अबाउट व्हाट अ मेल कैन डू एंड व्हाट अ फीमेल कैन डू. सो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट. बट सो एवरी टाइम दो आर्किटेक्ट एक नहीं सोच सकते. सो कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, वी वर जस्ट टू ऑफ अस इन द ऑफिस. सो कोई भी मैं डिजाइन बनाता हूँ, वो एक डिजाइन बनाती है, हम दोनों क्लाइंट को बताते हैं एंड द क्लाइंट सिलेक्ट्स जो मैंने बनाया. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका कॉन्फिडेंस बहुत तोड़ गया टू एन एक्सटेंट दैट इट स्टार्टेड शोइंग इन हर बिहेवियर टुवर्ड्स मी. काफी इरिटेट हो जाना या काफी गुस्सा करना या अवॉइड करना चीजों को. मैं कुछ कर दिखाने के जोश में था, बीइंग न्यू टू द प्रोफेशन, सो ये मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था उस टाइम पे. उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा सेट होता गया एंड सलोनी स्टार्टेड ऑलमोस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम द ऑफिस. सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, हैविंग सच अ इम्पोर्टेंट गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो फिर उसके बाद शी डिलीवर्ड माय सन इन 2004 एंड 2007 में माय डॉटर. सो ये पूरा फेज था 4-5 साल का.
सो वहां उसका और मेरा डिस्टेंस बहुत बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग. एंड ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी एंड इट वॉज हैविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. यस यस. ओके. तब ओएसिस ने ऐसी मदद की जो मैं सोच नहीं सकता. बोथ ऑफ अस वर वर्किंग ऑन अवर आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स बट देन वी फिगर्ड आउट दैट सलोनी हैज अ वेरी गुड नैक ऑफ डिजाइनिंग स्मॉल आर्टवर्क्स प्रोडक्ट्स ये सब चीजें. तो हम दोनों ने मिलके तय किया कि लेट्स स्टार्ट अनदर वर्टिकल विच सप्लीमेंट्स द डिजाइन्स आर्किटेक्चरल डिजाइन्स ऑफ Esteem, which is our company. So, 2008 we started Oblique. Oblique is the art division and product design division, which is headed by Salone. अब ये Salone का baby हो गया. उसमें अभी वो जो करती थी ना, वो architecture को enhance करने के लिए करती थी, and it was totally her baby. So there was nowhere there was competition, there was nowhere there was comparison, and in fact most of the projects that we do, especially the residential bungalows, they get known by the artwork of that project. So we have a sunflower house, we have a butterfly house, we have a bird house, we have a caterpillar house. You can go on. There's so many houses known by the theme of the project. Wo cheez, it started bringing her confidence back. And like anything, matlab main imagine nahi kar sakta tha ki Salone इतना कॉन्फिडेंस वापस पा लेगी. एंड इन दिस लास्ट 10 टू 12 इयर्स आई हैव प्रोबेबली बीन वन ऑफ द बिगेस्ट एडमायरर्स एंड क्रिटिक ऑफ व्हाट शी डज इन पब्लिक. सो ये जो पूरा सोच था, मुझे नहीं लगता है ओएसिस के बिना हम इतना अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज कर पाते. एंड दैट ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन टू बेटर रिलेशनशिप, क्योंकि वी कांट हैव पार्टीशन इन अवर माइंड. एक चीज दूसरे में स्पिल ओवर होती ही है. और ये चीज मुझे लगता है कि इसके लिए मैं जितना ग्रेटफुल हो सकूं इस इसको उतना कम है. व्हाट इट हैज गिवन इज सो इनवैल्यूएबल. या सो दिस इज समथिंग व्हिच आई कुड रिमेंबर. ब्यूटीफुल स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. एंड सहल भाई आपकी सलोनी बहन ने शेयर की स्टोरी कि लाइक हर जर्नी एज अ फैसिलिटेटर हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट हेल्प्ड हर. सो व्हाट अबाउट यू, आपकी एज अ फैसिलिटेटर जर्नी आपने पहले हाँ बोल ही दिया था ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन वो जर्नी कैसी रही है अब तक, तब से लेकर अब तक. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन द फर्स्ट टाइम आई बिकेम फैसिलिटेटर और रादर आई वाज प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी वाज व्हेन वी स्टार्टेड द HCJ program, Uncho Jyotirvada program, and that time the focus area was Navsari and around. So that was the time, I think it was in 2008 or 10, if I remember it correctly. So tab mujhe bola gaya tha, meri internal struggle ye thi ke main bahut zyada introvert tha, abhi aap nahi manoge, but I had lot of stage fears, I had lot of problems in speaking in front of public, बहुत ज़्यादा prepare करना पड़ता था, मतलब so I wanted to break out of it because मुझे लगता था कि ये कुछ गलत है मेरे अंदर and I need to work on it. So that was my hidden agenda behind taking up the role of a facilitator. And जैसे-जैसे वो करता गया, उतने fundamentals और clear होते गए. Last Friday जब ये करवाया मैंने तो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न मेरा इतना क्लियर नहीं था जितना मेरा लास्ट फ्राइडे हुआ. सो आफ्टर 15-17 इयर्स ये फंडा मेरा अभी थोड़ा और क्लियर हुआ ऐसा लगा. सो इन दैट सेंस इट हैज बीन अ जर्नी जिसमें हर बार कुछ ना कुछ क्लिक होता है, स्ट्राइक होता है. एंड आई टुक दिस 2 or 3 बैचेस ऑफ HCJ all about of B.Ed. teachers of एक सूरत का बैच था जिसमें जीवन भारती और बहुत सारे स्कूल्स से थे. एक साउथ कुछ नौसारी का बैच था, तो वो होता था इधर नौसारी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ के हॉस्टल में रहते थे और खाते थे.
एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब आपके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, जैसे अभी मुझे आपसे बात करनी है तो आई नो के आई कैन टॉक टू यू, गिव यू एग्जाम्पल्स अबाउट सर्टन फिल्म्स, ये वो, अज्यूमिंग कि वो आपने देखी होगी. बट दीज टीचर्स कमिंग फ्रॉम विलेज फाइंड एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन देम थिंग्स वॉज अ रियल चैलेंज. कि आप कॉमन ग्राउंड कैसे ढूंढो जिससे आप, क्योंकि अल्टीमेटली ओनली स्टोरीज हेल्प इन ओएसिस. जो स्टोरी समझाता है और कोई चीज नहीं समझा. सो हाउ डू यू आई फाइंड दोस थिंग्स एंड उनके साथ रह के उनका शेयरिंग सुन के, किसी की तनख्वाह 2800 रुपए थी, किसी की 2200 रुपए थी, एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैड. तो मुझे लगा कि ये मतलब अच्छा है मैं ये कर रहा हूँ. सो पहली बार एफर्ट लगा जाने में, बट देन आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ न्यूमरस बेनिफिट्स. एंड जब 2 साल पहले शिवा बहन ने कश्मीर चैलेंज किया, so I was honestly very 4 years back, 4 years ago, okay? lockdown ke 2 saal nahi gine ka to. So tab Shiva Ben ne jab ye opportunity di, to I was more than happy to accept. And in fact ek story aur yaad aa rahi hai. I'm sure there are people from Kashmir also. I can see here. Yes, many people from Kashmir. Yeah, so the first day of our workshop in Srinagar, Saloni was scared. मैं भी बहुत ऐसा नहीं बोल सकता, मैं बहादुर था. But in a very very cold room, conference room in the end of March, इतनी ठंड थी, हीटर नहीं चल रहा है, and we were trying to teach or facilitate a group of 30 principals and gazetted officers. और हम दोनों जाके वहां बात कर रहे थे, तो आधा दिन उसी में गया. देवर डाउटिंग वेदर हमको पॉलिटिकल वजह से वहां थे. यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देम, यू आर ट्राइंग टू दिस देम. बाद में उनको पता चला कि हम तो सीधे साधे आर्किटेक्ट्स हैं. तो दूसरा एस्पेक्ट आया कि यार ये आर्किटेक्ट लोग अभी अभी आया, हमको क्या सिखाएंगे, हम तो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, हम प्रिंसिपल्स हैं, हेडमास्टर्स हैं. एंड शाम को सलोनी और मैं बैठे थे रूम में, आते वी वाज स्टेइंग इन दी सर्किट हाउस, गवर्नमेंट सर्किट हाउस श्रीनगर में, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस हमको वहां अकोमोडेशन दिया था. तो सलोनी वाज सो डाउन, वो बोल रही थी स्नेहल चले जाते हैं, नहीं होगा हमसे, ये लोग नहीं, मतलब हम कर पाएंगे. देन ही कॉल्ड शिवाबेन एंड शिवाबेन सेड कि डोंट वरी अबाउट कवरिंग दी कंटेंट, अगर आप ये 3 दिन में विश्वास जीत के आते हो उनका तो आपका काम हो गया. क्योंकि कंटेंट का पेस मॉनिटर करने में कनेक्शन छूट जाता है, एंड देयर वाज सो मच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस दैट वी कुड सी. सो इट वाज क्वाइट अ चैलेंज, वेरी डिफिकल्ट वन. बट एट द एंड ऑफ द थर्ड डे व्हेन वी पार्टेड, पीपल वर क्राइंग, पीपल वर हगिंग ईच अदर. तो जो ओएसिस का मैजिक है वो तो चलना ही था, मतलब इट इज दैट श्योर. एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल 3 days ऑफ रियलाइजेशंस कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं. एंड उसके बाद तो और 4 बार गए एंड इट वेंट वेरी वेल. सो दैट वाज अनदर नाइस एक्सपीरियंस. ये सब में मेरा सलोनी के साथ का रिलेशनशिप इतना अच्छा हुआ है, लाइक आई डोंट माइंड बोस्टिंग कि हम झगड़ते ही नहीं है. मतलब वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंसेस, lot of differences, but we don't fight. For sure we don't fight. And जब भी differences resolve करने होते हैं, हम बच्चों के सामने बैठ के करते हैं. We don't do it in the rooms. We make it a point to call them और उनके साथ बैठ सामने बैठ के, because we feel it is also something they need to learn कि differences होने होते हैं, पर उसको भी discuss किया जा सकता है. So मुझे तो लगता है मतलब ये ओएसिस लाइफ से अलग नहीं कर सकते. दैट इज द फीलिंग आई एम गेटिंग. थैंक यू. थैंक यू. यस सलोनी बहन, एनीथिंग अबाउट योर कश्मीर एक्सपीरियंस? आप कश्मीर गए थे तब? नहीं भाई, आपकी योर साइड ऑफ द स्टोरी. लाइक ही सेड, मुझे याद है एक प्रिंसिपल जो शेक्सपियर कोट करते थे, और मतलब वहां के लोग इतने मतलब they are so much into art and literature
कि शायरी so shayari yeah. impromptu shayari and a beautiful shayari they used to just quote like that and shakespeare ko quote karte the and i used to feel yaar hum inko kya sikhayenge aur kaise sikhayenge aur kyun sikhayenge but so yes pehle din humko matlab kafi I especially felt dejected ki ye kahin humne kuch galti to nahi kar di lekin jo teesre din feedbacks jo mile तो मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग ओवर देयर ओनली इन द वर्कशॉप ओनली मतलब जो हमको लगता था कि हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे या उनका उनके दिल को छू नहीं पाएंगे वो एक्चुअली हम कर पाए सो दैट गेव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और फिर जो दो तीन बार बाद में मतलब ओवर द ईयर हम बाकी के जो सेशंस के लिए गए तो हर बार वो कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया और उनके साथ की रिलेशनशिप भी हमारी बेटर होती गई एंड अल्टीमेटली इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस एंजॉय इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस नोइंग द पीपल ऑफ कश्मीर वी हैड पीपल हु वर सो वार्म मतलब यहां रे बैठ के मीडिया में सुनते हमको कुछ नहीं पता है मतलब इट इज ऑल बुलशिट इतने ब्यूटीफुल लोग हैं इतने वार्म हैं और इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी इतने केयरिंग और लाइक टोटली अनदर बिग पैराडाइम शिफ्ट अबाउट हाउ पीपल हाँ देवर पीपल जिन जो सोचते थे कि हाँ पाकिस्तान क्रिकेट में जीत जाना चाहिए बट दैट इज फाइन इट इज अ पर्सनल चॉइस इट डज नॉट मेक देम लेसर ह्यूमन बीइंग समझ So heartwarming to see so many of them. I can see Romana ji over here for sure. And in fact, Romana ji, I mainne help bhi liya tha. Once I came back after a couple of years, my mom was detected with cancer and chemo mein she lost all her hair. तो रोमाना जी को मैंने बताया था कि फोटो भेजा था कि इस टाइप का टोपी कहाँ मिलेगा एंड शी सेंड मी अ कपल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ब्यूटीफुल टोपी फॉर मॉम सो ये जो रिलेशनशिप के वैल्यूज है ना वो वहाँ फूट फूट के भरे दिस इज नॉट अबाउट मी बट दिस इज अबाउट व्हाट वी लर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ कश्मीर इट्स सो रियली वंडरफुल पीपल मतलब अभी जाना है बट आई एम नॉट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी आई एम गिविंग यू अ हिंट ओके I'll note it down. I am in Kashmir, so I'll note it down. definitely कह सकते हैं कि people of Kashmir are really beautiful, much more than the land that we talk about. So आपके बहुत अलग-अलग areas की बात हुई, like you know, as a husband or as a wife, as an architect, as a facilitator. एक aspect बाकी है इसमें, वो है as a teacher. सो आप लोग पढ़ाते भी हो पिछले आई थिंक 15 इयर्स से आप दोनों पढ़ाते हो एंड यू आर टीचिंग आर्किटेक्चर आई सपोज सो हाउ दिस जर्नी इम्पैक्टेड यू एज अ टीचर और एज एन एजुकेटर ये जर्नी कैसे आपको हेल्प किया ये जर्नी को कोर्सेज के साथ जुड़े रहते हैं सो जैसे ओएसिस में इन्वॉल्व हुए तो ये समझ में आने लगा कि वर्किंग विद पीपल इज द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू लर्न इन लाइफ बाकी सारी चीजें पेरिफेरल है व्हाट प्रोफेशन यू आर इन और व्हाट योर मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स आर पर ये जो चीज है मुझे इतना समझ में आया कि एजुकेशन इज समथिंग इफ आई रिमेन इन टच विद एजुकेशन I will remain younger, I'll remain updated, and also I will get to learn from the newer generations. ये मेरे दिमाग में clear था. So initially, in fact, I joined as a full-time faculty in 2002. Once I graduated, so डेढ़ साल तक मैं full-time college में था, and having a part-time small practice. But it is Parag Bhai who pulled me out of full-time academics. With his wonderful project and trust, and usme phir I became a visiting faculty. So I used to go part time and on certain days only.
But about 3-4 years back, I made up my mind that it is now time to go back and contribute more. Because I'm sure ये सारे professions में होना चाहिए कि जब भी कोई बच्चा college पढ़ के office में enter होता है ना, the first thing वो ये realize करता है कि उसको कुछ नहीं आता. वो कितना भी होशियार हो in academics, because our education system by and large does not prepare them for real life. Right. So I thought ki let me become, try to become a bridge between the academics and profession and try to influence more and more people. So wo angle se I went to the principal where I teach in Sarvajanik College of Architect Engineering and Technology, SKET, Surat mein. And he's another very young dynamic person. Unko maine bola ki I want to contribute more and more. You know, I don't need any post. Give me a place in the staff room, and I will spend a few hours every day and see where I can help. And he was very, very gracious, and he immediately accepted it. He has built a lot of trust. He has a lot of trust in me, and it's vice versa. And so since 3 years, I have been allowed to experiment in the model of teaching, and in 3 saal mein I am pretty satisfied with the kind of results which have started emerging. It is still too early to say ki kya hone wala hai, but fortunately is saal kya hua hai ki the college has got the status of a university now, so we have a chance of creating our own curriculum. Wow. So it's time to develop the adaptability, compassion, etc., the characteristics part of a human. A pura subject has been given in every semester, and a whole day in the timetable every week is dedicated only to these subjects. So isme I'm pretty sure I'm going to use OSS and all that I learned in OSS to create something which becomes inherent part of academics. It is not an optional workshop. Can L3 be integrated into the 4-year course or a 5-year course? Wo main bhi explore kar raha hu ki usko kaise curriculum mein dala jaye, kyunki it's a brilliant opportunity to demonstrate how happy professionals you are going to produce. So mujhe aur exciting lag raha hai wo cheez pura, and it's pulling me a lot towards that. So probably next 10 years of my life mein shayad wo zyada karunga. Beautiful. The students who will be learning from you will be lucky, and the ones who couldn't would be a bit unlucky. But yes, thank you. So yes, if you want to share something. I just remembered that almost after we had finished designing the Oasis Valley's building, in one semester we had given a project to the students to design Oasis Valleys. Wow. The students had gone there, they read MHS, and then so we tried to teach them that if you are making an institution, it has to capture the philosophy of that institution. So your entire exercise is not to build a building, but to capture the philosophy of OSS. वो पूरा सेमेस्टर मतलब काफी इंटरेस्टिंग गया था. हमने एंड में शिवा बेन को भी इनवाइट किया था. शिवा बेन और पराग भाई आए थे, मॉडल्स का हमने एग्जीबिशन किया था. जस्ट मुझे याद आया कि ओएसिस ऐसे भी कनेक्टेड था एजुकेशन से. वाह. ओके. सो पूरे बहन ने बुलाया कि इनके पास इतनी स्टोरीज है कि एक घंटा बहुत कम है. वी नीड अनदर सेशन, सो वी विल surely ask for that. But before that, we have very few minutes, 3 minutes baki hai. Taruben ne pucha hai ki how it helped you as a parent, ki aapki parenting mein process mein help kya ho, kuch insights di ho. How has been this journey? So aapne ek to bataya angle ki you fight, you resolve all the issues in front of your children, but anything apart from that? As a parent,
नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है. नो बट थैंक यू तरुबेन फॉर आस्किंग, आई होप यू आर वेल. हमने एक चीज किया है कि वी आर नॉट कॉन्शियसली पुशिंग अवर चिल्ड्रन टुवर्ड्स सिलेक्टिंग देयर करियर. जैसे माय सन इज इन 11th नाउ, माय डॉटर इज इन 7th, एंड हम उनको कभी भी पढ़ने बैठ ये सब नहीं बोलते हैं, बिकॉज वी फील कि इन द कमिंग फ्यूचर वो लोग क्या करेंगे ना, वो तो उनको पता ही होगा कि क्या करना चाहते हैं. बट जो कम्युनिकेशन का ब्रिज ना टूटे ना, दैट इज समथिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लाइफ में. एट एनी गिवन पॉइंट वी शुड रिमेन अप्रोचेबल फॉर देम सो दैट दे कैन कम एंड डिस्कस थिंग्स विद अस. ये एक चीज अगर हम कर पाए तो देन आई वुड गिव माई सेल्फ फुल मार्क्स एज अ फादर. मैं मानता हूं कि मैं उनको मदद नहीं कर सकता, आपके रास्ते में नहीं आना चाहता. दिस इज अ फर्म बिलीफ विच आई पर्सनली हैव, सो ऑल माई एक्शंस कम फ्रॉम देयर. हम लोग ऐसे भी एक तरह से लकी है, जैसे मैंने बताया, वी मेट सम वंडरफुल पीपल थ्रू ओएसएस. तो जब हमने एमएचएस विशेष किया था, तब हमारे साथ उनकी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, दोनों बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके प्रिंसिपल और उनकी वाइफ, मतलब दोनों दे आर टीचर्स एंड हेड्स ऑफ द स्कूल, तो वो भी हमारे साथ थे. और एज अ स्कूल उन्होंने 7 habits अडॉप्ट किया था. वो उसके सेशन उसमें करते थे, उनके टीचर्स को भी उसका ओरिएंटेशन है. सो वी आर लकी कि हमारे बच्चे स्कूल में भी इस एंगल, इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस वे ऑफ लिविंग, जो भी आप इसे कहो, इससे अक्वेंटेड है. और घर में भी जैसे, मतलब हम स्पेसिफिकली कुछ सिखा नहीं सकते, लेकिन जैसे हम होते हैं उससे वो अगर कुछ सीख पाए, तो देन इट इज समथिंग दैट कैन हैपन. Okay, so our time is up, unfortunately, really unfortunately, but we would like to have another session with you for sure. I think kahani adhuri adhuri hai, wo hota hai na after movie, wo feel aata hai na climax ka, wo feel nahi aa raha humko. So ye picture baki hai aisa assume karte hain, at least for our own satisfaction, but I'm sure you have many more stories to tell to all of us. पूर्वी और उसके हस्बैंड और लोग जो हमारे ऑफिस में थे, उन्होंने सेशंस एक्चुअली चालू किए. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी हार्टवार्मिंग मोमेंट कि अब वो लोग भी दे आर कमिंग टू द अदर साइड और इतने एक्टिव हो रहे हैं ओएसएस के साथ पूरी फैमिली. दूसरा, मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला फिर से ओएसएस से जुड़े रहने का और सीखने का थ्रू ट्रांसलेशन ऑफ अध्यात्मनि शोधमा. सो अध्यात्मनि शोधमा इतना इंटेंस और इतना अच्छा बुक है, लेकिन जो नॉन गुजराती पीपल है वो उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इट इज ओनली इन गुजराती. तो लास्ट टाइम जब हम ओएसएस वैली गए थे और किसी सेशन के लिए गए थे, या तो एनुअल मैंने शिवा बेन को बोला कि हम क्यों इसको इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, तो शिवा बेन से तो कर लेना. तो वो काफी टाइम से वो प्रोसेस चल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि अभी इट इज रीच्ड क्वाइट अ गुड लेवल की बेटिंग भी उसकी हो गई है और प्रोफेशनल एडिटर्स से भी उसका मेरी तरुबेन नोज अबाउट इट.
तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस तरह से भी हम लोग ओएसिस से जुड़े रहे हैं. Thank you so much for giving us your time, giving us your heart. And yes, all the friends who are listening right now, आप अपने reflections लिख सकते हो chat box में. आपको जो भी लगा हो, you can write about today's session. So, thank you so much for all the beautiful stories, all the beautiful building, I would say, कि जहाँ पे आप भी हम बैठे हैं. And everything that you have given to this movement and to the younger generation as well. So we hope we young generation get a lot of interactions with you. I think you have a lot of things to transfer to us. I would say कि जो generation transfer आपने बोला ना, I think we all can learn many things from you both. And I have been lucky to have attended at least one day of workshop with you. So I would love to have more workshops with both of you. I would request Shiva Didi to do that. Maybe if you can come to Kashmir or something. Maybe. So yes, thank you so much all of you. Everybody is writing their reflections. Romana ma'am is looking forward to seeing you again in Kashmir. And they are seeing a beautiful couple, absolutely. No doubt about it. Very good hearted people. We were trained to design the characters of building. Now the focus is changed to building of characters. Okay, building of characters, building. Okay, so thank you. Of course, is education of heart of education. Heart is education. Yes, absolutely. And things will change at OSS like anything. But this thing will remain, the heart will remain, whether it's versus values, whether it's facilitation, whether it's workshop, whether it's people, ultimately. Because this is made up of such beautiful people, as a bahut sare log hamare saath jude hue hain, jinko shayad aap itna jante nahi honge. To aise sabhi doston se hum aapko milwana chahenge. And Sneha Bain, Saruri Bain, thank you so much for giving your precious time to all of us. And yeah, that is it from all of us today. Thank you so much and lots of love to all. Thank you. Thank you. Thank you.